मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे, और बिना जाति जनगणना के अध्यक्ष महोदय सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। और जो इक्वलिटी की बात है, इक्वलिटी की बात है, जिस पैरामीटर में आप नीति आयोग भी कह रहा है कि आप नीचे जा रहे हैं, अगर जेंडर इक्वलिटी और इक्वलिटी समाज में तभी संभव है जब जाति की गिनती हो जाए और उनको भी बराबर का हक और सम्मान मिल जाए, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था। नमस्ते। तो आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी की अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार को बनने से रोक देने वाले, अपने पीडीए के जरिए अपने सामाजिक न्याय की विचारधारा के साथ डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया के विचार को मिलाकर संविधान को बचाने की लड़ाई के साथ आम चुनाव 2024 में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। किस चीज से? विधायक के पद से। आपको याद होगा कि वह अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में इटावा के करहल से विधायक चुने गए थे, और करहल से विधायक चुनने के बाद 22 के चुनाव में जब सरकार नहीं बन पाई तो अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में, नेता विरोधी दल सदन में अपनी लंबी भूमिका निभाते हैं तकरीबन 2 साल की, और करहल से विधायक होकर के अखिलेश यादव सदन में योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर अपने तंज से, अपने व्यंग से, अपने हास्य से, अपने विट से, अपने ह्यूमर से और अपने तेवर से पूरे विपक्ष में, अपनी पार्टी समेत पूरे विपक्ष में एक आत्मविश्वास, एक उत्साह का संचार करते हुए 2 साल तक नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। 2024 का चुनाव आता है और अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लगभग 1.5-2 लाख वोट से चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद तय करते हैं कि 37 सांसदों को साथ लेकर, यानी 36 को साथ लेकर, एक तो वो खुद है, वो दिल्ली में देश की संसद में बैठेंगे, देश के मुद्दों पर सवाल पूछेंगे, विपक्ष के एक बड़े चेहरा बनेंगे, क्योंकि आज की तारीख में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा आज के अगर किसी के ऊपर लगा है, किसी पार्टी को मिला है, तो वो तमगा मिला है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को। तो अखिलेश यादव ने ये तय किया कि वो दिल्ली में बैठकर जनता के मुद्दों को सदन में उठाएंगे, जिन बातों को लेकर वो जनता से जागरूक होने की अपेक्षा किया करते थे कि आपके बच्चों को नौकरी अगर मिलेगी तो वो अग्निवीर जैसी नहीं होनी चाहिए, पूरी और पक्की नौकरी होनी चाहिए, इस बात को सदन में उठाने का सबसे उचित जगह देश की लोकसभा होगी।
अखिलेश यादव अगर चुनाव में जनता के बीच जाकर कहते थे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, यूरिया की खाद कम करके दाम बढ़ाना ठीक नहीं है, किसानों का कर्जा दोगुना कर देना ठीक नहीं है, किसानों के ऊपर गोली चलवाना, आंदोलन को कुचलना, दबाना, मुकदमे कर देना उचित नहीं है, जातिवार जनगणना इस देश की मांग है, जरूरी है, इस देश में एससी एसटी ओबीसी यानी पीडीए को उसका हक हिस्सा मिले, बिना इसके इस देश का लोकतंत्र पूरा नहीं होगा, इस देश के नौजवानों को 30 लाख नौकरी जो खाली पड़े पद हैं उनको तत्काल भरा जाए, महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार मिले, आर्थिक संपन्नता और कौशल की कुशलता मिले, महंगाई कम हो, जीवन में खुशहाली हो और आपस में लड़ाने की बजाय मोहब्बत और प्यार का भारत हो, इन मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव सदन में खड़े होकर के अब नेताओं की तरफ से, विपक्षी दल की तरफ से एक मजबूत और बुलंद आवाज बनेंगे, और यह निर्णय लेते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के सदन से, उत्तर प्रदेश के तमाम चीजों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर क्या पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण करना जरूरी है। आज की तारीख में अगर आप गौर करें तो अभी अखिलेश यादव जब विधानसभा उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, और आपको मैं ले चलता हूं अतीत में, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे वो पानी का सवाल हो, दलितों पिछड़ों यानी पीडीए पर अन्याय और अत्याचार का सवाल, कई सवालों पर सरकार को मजबूती से घेरने का काम अखिलेश यादव ने किया, मजबूती से घेरा है, और उस मजबूती से घेरने के साथ उन्होंने पूरी ताकत इस बात पर लगाई कि कैसे जनता के मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात को कह सके, और अपमानजनक भाषा जो मुख्यमंत्री बोला करते थे कि जो पिता का नहीं, जो अपने बाप का नहीं हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बाप का नहीं हुआ, क्योंकि उनका तेवर यही है, और जिसका जवाब अखिलेश यादव देते हुए कहते हैं कि जब बात बाप पर आ जाए तो याद रखना चाहिए कि बहुत सारे संस्कार आपने भी नहीं निभाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपके बाप पर कुछ कहें, और ये संस्कार हमें नेताजी ने नहीं दिया। 86 में 56 एसडीएम की बात जब मुख्यमंत्री ने उठाई और गलती से 46 में 56 कहा, तो बार बार अखिलेश जी ने उसको तंज की तरह, व्यंग की तरह पकड़ करके कहा कि 46 में 56 प्रमाण तो दे दो, प्रूफ तो दे दो, उसका उदाहरण दे दो, सरकार में 7 साल से हो और आपने कितना प्रचार कर रखा है कि 46 में 56 एसडीएम यानी 86 में 56 एसडीएम यादव, तो बताओ ये 46 एसडीएम यादव कहां है, और जब हम आज और आप बात कर रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि हाई कोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है, कोर्ट मानता है कि 86 में 56 एसडीएम की खबर फेक न्यूज थी, झूठ थी, बीजेपी और आरएसएस के झूठ के प्रोपोगंडे का एक दुकान का बिकता हुआ प्रोडक्ट था, और इस प्रोडक्ट को बीजेपी ने बहुत बार बेचा। उत्तर प्रदेश की तमाम उन जातियों को अखिलेश यादव जी ने जोड़ा, मुलायम सिंह यादव जी ने जोड़ा, मनोहर कांशी राम ने जोड़ा, अदड़ी बहन जी ने जोड़ा, जिनको तोड़ने का काम बीजेपी ने झूठ बोलकर किया। आरएसएस और बीजेपी ने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया कि समाजवादी पार्टी केवल यादवों की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी केवल जाटवों की पार्टी है, और इन दोनों नैरेटिव को बना करके बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित समाज का वोट बीजेपी की तरफ लाने में कामयाबी हासिल कर ली, सरकार बना ली, और सरकार बनाने के बाद इस गैर यादव और गैर जाटव दलित पिछड़ों को क्या मिला, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मिला, उस घोटाले के लिए आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों, नौजवानों और शिक्षकों को लाठी मारी, जेल का ताला मिला, मुकदमे मिले, उसमें हर समाज के लोग,
उन दलितों पिछड़ों को क्या मिला जो बीजेपी की तरफ गए? उन दलितों पिछड़ों को अपनी सरकारी नौकरी प्राइवेट हाथों में बेच देना मिल गई, उन दलितों पिछड़ों को अपने हक और अधिकार छीन लेना मिल गई। उन तमाम लोगों को क्या मिला ये बीजेपी नहीं बता पाई। इसलिए जब अखिलेश यादव ने पीडीए किया तो वो तमाम लोग वापस बीजेपी को हराते हैं। 37 सांसद एक बार में, समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो 37 विधायक जीतते हैं, और वो भी उस राज्य में जीतते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हो। यूपी बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, लखनऊ में राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अयोध्या बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडे, मंदिर बनवा दिया, जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, ये सब कुछ नैरेटिव चलाया 2 साल से, और बीजेपी हार गई। प्रयागराज में बीजेपी हार गई। ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश के सदन में जो माहौल अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष यानी विरोधी दल रहते हुए बनाया था, उस माहौल की बड़ी भूमिका है। और इसलिए जब वो इस्तीफा देकर के दिल्ली के सदन में जा रहे हैं तो वह नेता विरोधी दल का पद किसे मिलेगा, जिसे भी मिलेगा, क्या वो उस भूमिका को निभा पाएगा, कितनी दूर तक निभा पाएगा जो भूमिका अखिलेश यादव जी ने सदन में निभाई, जनता के मुद्दों पर तेवर के साथ बात कर, नेता सदन बताएं कि शूद्र क्या है, सोने के पत्ते पर भी लिख कर दे दोगे तो मैं नहीं मानने वाला। शूद्र कौन है नेता सदन उस चौपाई को पढ़कर सुनाए? ये शूद्र अगर ढाल न बने तो आप सरकार में कभी नहीं आ सकते हो। ये अखिलेश यादव के बयानात है, और इन बयानों के साथ अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख देने वाले तेवर के साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जब वो सदन में जाएंगे, उच्च सदन में यानी लोकसभा में, तो उस भूमिका पर कौन होगा? सूत्रों की तरफ से कई खबरें चल रही हैं। क्या अपने चाचा शिवपाल यादव जी को उन्होंने मन बनाया है कि वो नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, या पीडीए के बड़े नेताओं मसलन रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज या और इस तरह के कद के नेता जो बड़े ताकत में हैं, उन नेताओं को वहां पर मौका देंगे? यह बात अभी इतिहास के गर्त में है। लेकिन जिसको भी वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मौका मिलेगा, चूंकि वो कद अखिलेश यादव जी का है, चूंकि उस भूमिका को उसके पहले अखिलेश यादव जी निभाते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और केवल अखिलेश यादव जी ही लोकसभा में चुनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं, जिसमें 6 महीने के आसपास चुनाव होगा। केवल एक सीट अखिलेश यादव की मामला नहीं है, वो मामला उसके बाद बनता है। अयोध्या की सीट पर खुद अवशेष पाती, और आपको याद होगा वो वीडियो जब वहां अयोध्या में रैली करने अखिलेश यादव गए, और रैली करते हुए जब कई पूर्व विधायक बैठे हुए थे, कई पूर्व मंत्री बैठे हुए थे मंच पे, बारी बारी सबका नाम ले रहे थे, और इनका नाम लेने के समय बोले कि और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, तब तक वो बोले अरे विधायक, हम अभी वर्तमान में विधायक हैं। तो अपने विट और ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव ने क्या गजब का निभाया कि पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले हो, और वही अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या में बीजेपी को हरा करके सांसद बन गए। बहुत अरसे तक बीजेपी अयोध्या की हार को पचा नहीं पाई, इसलिए उनकी ट्रोल आर्मी अपमान कर रही है अयोध्या के मतदाताओं का। बीजेपी हार जाती उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, बीजेपी सपा से हार गई उन्हें इस बात की पीड़ा है, और इससे भी बड़ी पीड़ा उनको इस बात की है कि बीजेपी सपा से एक दलित प्रत्याशी से चुनाव हार गई, और वह हिंदू के नाम पर गालियां दे रहे हैं। ये इस देश की राजनीति का व्याकरण की किताब का एक अध्याय होना चाहिए।
तो वो अवधेश पासी भी विधायक थे, अब वो मंत्री सांसद बन गए हैं, तो उनकी सीट पर भी इस्तीफा दिया गया है और वहां पर चुनाव होंगे। लालजी वर्मा जो अब अंबेडकर नगर के बड़े नेता, पीडीए के बड़े नेता, लालजी वर्मा भी विधायक थे, अब वो फिर से सांसद बन गए, तो विधायक का पद खाली हो रहा है, वहां किसको टिकट मिलेगा। तो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। सत्ताधारी दल अक्सर कोशिश करता है कि जब उपचुनाव हो तो वहां के उपचुनावों को पूरी तरह से सत्ताधारी दल जीत ले। विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि जब 34% अकेले दम पर और गठबंधन के साथ लगभग 42-43% वोट शेयर अगर हमें मिला है, हम अब तक के सबसे स्वर्णिम स्टेज पर है, हम सबसे ताकतवर भूमिका में, तो क्यों ना विधानसभा के उपचुनावों में जीत हासिल करने की रणनीति बनाई जाए। और इस रणनीति को अखिलेश यादव अपने दिमाग में रखे होंगे, इस रणनीति को बनाने के लिए काम कर रहे होंगे, और इस रणनीति को काम करने के लिए उन्होंने बहुत ठोस ढंग से पहल शुरू कर दी है। लेकिन आने वाले दिनों में जो दृश्य, जो विट, जो तेवर अखिलेश यादव का सदन में हुआ करता था कि बात जब खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए, बात अगर अपने गांव की पहचान बता सको, जो अपने गांव की पहचान नहीं बता सकते वो किसी को पहचान नहीं दिला सकते, जिनके गांव की पहचान ही नहीं पता, जिनके गांव के बारे में ही नहीं पता, वो किसी का क्या विकास करेंगे। ह्यूमर, क्या ह्यूमर, कार्टून की किताब पर क्या गजब की तेवर के साथ अखिलेश यादव बोलते हैं कि तुम्हारा मैं इतना बड़ा दिल रखता हूं मुख्यमंत्री जी, आपका दिल इतना छोटा है कि किसी ने आपके ऊपर गाना बना दिया तो आपके ऊपर मुकदमा उसके ऊपर कर रहे हो। हम मुख्यमंत्री थे, राजनीति में जो लोग हैं उनके ऊपर कई तरह के कार्टून बनते हैं, विरोध होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, हमारे ऊपर भी एक कार्टूनों किताब बनी तो हमने खुद ही उसका विमोचन किया। कोई हंसने लगा तो अखिलेश यादव ने कहा, तुम जो कार्टून समझ रहे हो वो नहीं है, और तुम भूल मत जाना तुम्हारे ऊपर कभी कार्टून नहीं बनेगा, क्योंकि कार्टून के ऊपर कार्टून कैसे बनेगा। ये अखिलेश यादव का अपना तरीका है, हास्य के साथ भी गंभीर तंज कर देना, तेवर के साथ विचारधारा की बात उठाना, विचारधारा की बात कि जाति जनगणना होना जरूरी है, बिना जाति जनगणना के इस देश में सबको सबका हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये जो विधानसभा की गूंज थी वो देश की संसद में सुनाई देगी जब पीडीए के सवाल पर अखिलेश यादव बोलेंगे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक दूसरा बदलाव आने जा रहा है, उसका क्या असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी विधानसभा से इस्तीफा देकर के अखिलेश यादव अब सदन पहुंच रहे हैं अपने 36 सांसदों के साथ, इसलिए दिल्ली के सदन में अब आने वाले कुछ वक्त बहुत दिलचस्प होंगे। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।